कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से न्यू अपडेट है। जो कनाडा ने रिसेंटली जो अनाउंसमेंट करी है न्यू पायलट प्रोग्राम्स केयर गिवर्स के लिए, तो केयर गिवर्स जो कैनेडियन फैमिलीज को परमानेंट केयर गिवर प्रोग्राम आ रहा है, ये 3 जून 2024 को टोरंटो के टाइम में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि इसमें जो है काफ़ी रिसेंटली चेंजेस आ गई हैं। तो ये लिखा हुआ है कि होम सपोर्ट वर्कर और होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम कम टू क्लोज दिस मंथ। इस मंथ में होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम और होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम क्लोज होने जा रहे हैं। अब जो है कनाडा नए प्रोग्राम जो है अनाउंस करने वाली है, नया पायलट प्रोग्राम, यानी कि ये नया पायलट प्रोग्राम आने वाले टाइम में आएगा। उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं, पर ये कब लॉन्च होएगा, 1-2 महीने में ये लॉन्च होएगा और 2 ईयर का पायलट प्रोग्राम होगा। जो होम सपोर्ट वर्कर और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, ये क्लोज हो रहे हैं इस मंथ में। काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमारी तो फाइल लगी हुई है, आपकी जो फाइल होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर में लगी हुई है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, पर अब 17 जून 2024 तक ही आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाद में इन प्रोग्राम्स में फाइल्स नहीं डाल सकते। सिर्फ होम सपोर्ट वर्कर में आप फाइल डाल सकते हैं, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की जो फाइल है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। वो 17 जून लास्ट डेट है, उसके बाद इन प्रोग्राम्स में आप फाइल नहीं डाल सकते क्योंकि न्यू पैलेट प्रोग्राम आ रहा है। जो न्यू पैलेट प्रोग्राम है, आप देखा जाए न्यू पैलेट प्रोग्राम है, इसमें ये आप देख सकते हैं कनाडा इमिग्रेशन की साइट पर ही लिखा हुआ है। जो न्यू पैलेट प्रोग्राम है इसमें जो होम केयर वर्कर है उसे परमानेंट रेजिडेंट दी जाएगी ऑन द अराइवल इन कैनेडा, कैनेडा से आने से पहले ही उसे पीआर दे दी जाएगी, तो उसकी विद फैमिली को भी दे दी जाएगी और विद वो फैमिली भी आ सकती है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है न्यू पैलेट प्रोग्राम की, ये जो कनाडा में होगा होम केयर सेक्टर में जो एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास 4 बैंड होने चाहिए, CLB आपके पास 4 बैंड, इतनी कम रिक्वायरमेंट तो कभी नहीं आई, पर 4 बैंड तो आप इजीली ले सकते हैं। आपके पास प्लस टू क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो चाइल्ड केयर या होम सपोर्ट वर्कर में, आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर रिसीव होनी चाहिए, यानी कि कनाडा से आपको फुल टाइम कोई जॉब ऑफर देने वाला होना चाहिए। तो ये इसमें क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी कम रिक्वायरमेंट है और इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 जून 2014 में पहले जो है 60,000 पीपल्स को लिविंग केयर में कनाडा ने बुलाया था, जो केयर गिवर पहले हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने अब जो फिर जो अप्रैल में 30 अप्रैल 2024 को तो 57 केयर गिवर एंड फैमिलीज को परमानेंट रेजिडेंट दी गई है। जो लॉन्च हुआ था प्रोग्राम होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर होम सपोर्ट वर्कर 2019 से, तो ये 2019 का 2024 तक ही चलना था, 5 साल प्रोग्राम था, ये अब क्लोज होने जा रहा है। अब जो नया प्रोग्राम है वो पायलट प्रोग्राम जो है 2024 और 26 का है। इसमें कनाडा जो है ओवरऑल 15,000 केयर गिवर को परमानेंट रेजिडेंट देगी। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है केयर गिवर्स की, कम रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आके कनाडा में कनाडा से जॉब ऑफर लेके केयर गिवर में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बाहर कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए किसी की, बच्चे की, बुजुर्ग की, और आपके पास +2 होनी चाहिए, कनाडा आपके पास आलेट्स में जनरल 5-4 बैंड होने चाहिए, अब तो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो चुकी है, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और रहने का कोर्स भी होना चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आप फिल करते हो तो आप कनाडा में जा सकते हो। और ये जो प्रोग्राम है 2024 और 25 दो सॉरी 2024 और 26 यानी कि 2 साल चलेगा, 2024 और 26 तक ही चलेगा, नोट कर लीजिए। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।